गाइस, आप अगर हार्डवेयर कोर्स करना चाहते हो और आप एक हार्डवेयर इंजीनियर या कस्टमर सपोर्ट इंजीनियर बनना चाहते हो तो कोई बड़ी चीज़ और टफ चीज़ नहीं है, आप इजीली बन सकते हो। उसके लिए कुछ ज़्यादा नहीं करना पड़ता। हाँ, थोड़ा सा इसमें टिपिकल ही है, थोड़ा सा टिपिकल चीज़ें हैं, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। आपको डू एंड डज कुछ नॉर्मल चीज़ें हैं। हाँ, हालांकि आपको कुछ अच्छे लेवल पे जाना है तो उस चीज़ का स्टडी आपको एक हाई लेवल की तरफ से करना पड़ेगा। तो पहले स्टार्टिंग में आपको ना कुछ तो बेसिक आपको 12th पास होना चाहिए। अगर आप एक कस्टमर सपोर्ट इंजीनियर या सपोर्ट इंजीनियर काम करना चाहते हो, बैकअप सपोर्ट इंजीनियर, इसमें ग्रो बहुत है। आने वाले समय में सब डिजिटल ही होने वाली है, तो आपको कहीं ना कहीं बहुत अच्छी चीज़ें मिलने वाली। डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कौन किस तरह की कंपनी ज्वाइन करते हो और कैसा आपके पास नॉलेज होता है, कैसा एक्सपीरियंस है। तो मिनिमम आपको तो 12th पास होना चाहिए, मेरी तरह से ही सलाह है। अगर आप ग्रेजुएट हो तो आपके लिए एक अच्छा ऑफर है और आपका अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आप इसमें ग्रो कर सकते हो आगे चल के। हालाँकि इसके जानने के लिए आपको बेसिक हार्डवेयर नॉर्मली स्टार्टिंग में तो आपको पार्ट्स के सब नाम पता होने चाहिए, कंपोनेंट के नाम पता होना चाहिए कि हार्ड ड्राइव क्या होता है, रैम क्या होता है, एसएसडी क्या होता है। तो वो चीज़ तो आपको देखना होगा। और उसमें असेंबलिंग भी थोड़ा सा अगर आपको पता है तो ज़्यादा बेटर है। हाँ, हालांकि अगर आप पर्टिकुलर हार्डवेयर इंजीनियर बनना चाहते हो, एक फील्ड सपोर्ट होता है, एक इन हाउस होता है, तो इसमें भी मैं क्लियरली आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगा कि फील्ड सपोर्ट और इन हाउस में क्या डिफरेंसेस हैं। बट बेसिकली आपको अगर ग्रो करना चाहते हो खुद को, अगर हार्डवेयर लाइन में आप आना चाहते हो, तो मेरी तरफ से गाइस बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। आने वाले फ्यूचर में मैक्सिमम लोग डिजिटल की तरफ मूव हो रहे हैं, मर्ज हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें एक हार्डवेयर इंजीनियर की, एक आईटी इंजीनियर की जरूरत पड़ने वाली है। और हाई लेवल के इंजीनियर तो ठीक है, बट एक मीडियम क्लास के इंजीनियर्स और एक लोअर क्लास के इंजीनियर के लिए आपको फर्स्ट क्या होता है, कहीं भी कुछ भी करने से पहले हमें स्टार्टिंग में सीखना पड़ता है। तो सीखने के को ही हम बैकअप इंजीनियर या कस्टमर सपोर्ट इंजीनियर बोल सकते हैं। तो इस सब चीज़ को मैं एक्सप्लेन करूँगा और डीपली नेक्स्ट वीडियो में। अभी मैं बेसिकली आप चीज़ को बता रहा हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें कर सकते हो। और सैलरी की बात इसमें हुई तो सैलरी आप इसमें मैक्सिमम अगर एक बैकअप सपोर्ट इंजीनियर हो या रिमोट सपोर्ट इंजीनियर हो तो बिलो 20,000 के अंदर आप कमा सकते हो। डिपेंड करता है आपके स्ट्रगल और मेहनत और एक्सपीरियंस के ऊपर। अगर आप अच्छा मेहनत कर रहे हो, आपको अच्छा नॉलेज है, एक अच्छी कंपनी आप पकड़ रहे हो, तो उसके ऊपर भी कमा सकते हो आप। कोई सुनिए, नॉर्मली आप बेसिक स्टार्टिंग तो आप 12,000 से 15,000 से स्टार्टिंग आपका होगा एज ए फ्रेशर। तो उसके लिए मेरा तो मेरी तरफ से यही सलाह रहेगा कि अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि मैं बैकअप इंजीनियर करना चाहता हूँ या नहीं, अगर आप इस लाइन में आना चाहते हो तो मेरी तरफ से वेलकम है आपका, आप जरूर कर सकते हो। और ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपसे नहीं होगा। पहले करने का सोचने से पहले सब एक हर तरह से एक इंफॉर्मेशन ले लो, उसके बाद एक मेहनत करना पड़ेगा। हालांकि दोस्तों स्टार्टिंग में तो बहुत थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, किसी भी लाइन में चले जाओ, एक नॉर्मल आप ड्राइविंग भी सीख रहे हो तो उसमें भी डिफिकल्टी होती है। तो उस तरह से आपको थोड़ा सा प्रेशराइज होके सीखना पड़ेगा। मैक्सिमम अगर आप 3 से 6 मंथ किसी कंपनी में अगर काम कर ले रहे हो एज ए बैकअप इंजीनियर, तो नेक्स्ट चल के आपके लिए एक अच्छा रूट हो जाएगा। फिर आप एक अच्छा ग्रो कर सकते हो, एक अच्छा इनकम ले सकते हो। तो मेरी तरफ से आपको यही सलाह है कि बेसिक अगर बैकअप सपोर्ट या कस्टमर सपोर्ट इंजीनियर आपको बनना है, आप हार्डवेयर लाइन में आना चाहते हो, तो आप स्टार्टिंग बेसिक से करो। वैसे मेरी तरफ से इसमें बहुत सारे शाखाएँ हैं जो मैं अलग अलग डिफाइन करूँगा आपको नेक्स्ट में, कि एक हार्डवेयर इंजीनियर के लिए क्या होना चाहिए, क्या आना चाहिए उसको, एक बैकअप इंजीनियर के लिए क्या होना चाहिए, क्या आना चाहिए, और एक रिमोट सपोर्ट इंजीनियर के लिए क्या करना चाहिए, और किसमें किस कैटेगरी में कितनी सैलरी आप बेसिक पा सकते हो, मैक्सिमम कहाँ तक जा सकते हो। तो इस चीज़ के लिए आप बने रहिए और इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा, तो उसमें प्लीज़ आप देख लीजिए। अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। मैं आपको फिर से मिलूँगा। थैंक यू। गुड बाय।